नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से दो दिन पहले महात्मा गांधी की जयंती थी। आपको बता दें कि गांधी जयंती के दिन से ही बसपा सुप्रियो मायावती की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है जो गांधी को मानने वाले लोग हैं एवं जो गांधी विचारधारा पर काम करते हैं, उनका यह कहना है कि जो पहले शूद्र हुआ करते थे, जो दलित समुदाय के लोग हुआ करते थे, उन शूद्रों के लिए गांधी के द्वारा हरिजन शब्द कहकर बुलाना शुरू किया गया था। हरिजन शब्द आपको बता दें कि शूद्रों के लिए गांधी ने इस्तेमाल किया था, लेकिन आपको बता दें कि उनका यह कहना था कि जो हरि के जन होते हैं, यानी कि जो ईश्वर के इंसान होते हैं, जिनका सीधा आपको बता दें कि ईश्वर से संबंध होता है, उनके लिए आपको बता दें कि हरिजन उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था कि दलित ईश्वर के आपको बता दें कि इंसान है, ऐसा आपको बता दें कि गांधी का कहना था। लेकिन आपको बता दें कि इस पर बसपा सुप्रियो मायावती का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मायावती ने हरिजन शब्द का दलितों के लिए विरोध किया था कि हरिजन शब्द दलितों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और गांधी ने आपको बता दें कि इसे इस्तेमाल किया था। मायावती का एक बार आपको बता दें कि वो वीडियो क्लिप देखिए, फिर हम आपको समझाएंगे। गांधी जी के चेले जो ये कहते हैं कि शूद्रों को गांधी जी ने हरिजन एक अच्छा नाम दिया, ईश्वर के जन का है, तो मैंने ये कहा था प्रेस मीडिया के लोगों को कि यदि गांधी जी ने हमारे लोगों को ईश्वर के जन का है, ईश्वर के इंसान का है, तो हमारे लोगों को छोड़कर तो क्या ब्राह्मण बनिया ठाकुर या क्या ये शैतान जन है या किसी शैतान की औलाद। तो वो वीडियो क्लिप आपने देखा कि बसपा सुप्रियो मायावती सीधा आपको बता दे कि जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो चमचे हैं गांधी के, वो यह कहते हैं कि गांधी ने हरिजन शब्द को ईश्वर के लोगों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मायावती ने इस पर सीधा सवाल करते हुए कहा है कि जो ब्राह्मण बनिया और ठाकुर हैं, वो क्या आपको बता दे कि शैतान की औलाद हैं, क्या वो शैतान के जन हैं, क्या वो हरि के जन नहीं, के वो भी ईश्वर के प्राणी नहीं है, क्या उनके भी ईश्वर नहीं है, और क्या उनके वो ईश्वर के नहीं है, इसलिए दलितों के लिए ही क्यों हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगर गांधी को हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना ही था तो पूरे जो भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले जितने भी आपको बता दें कि मानव है, सभी के लिए उन्हें हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने दलितों के लिए क्यों हरिजन शब्द किया, क्या और जो अन्य जातियां हैं जैसे ब्राह्मण बनिया होगा, क्या वो शैतान की औलाद हैं या शैतान के जन हैं, ऐसा आपको बता दें कि मायावती उस वीडियो क्लिप में कहते नजर आ रही हैं। मायावती का यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, क्या यह सही है या गलत, आप हम अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। हरिजन कहना आपको बता दें कि सरासर गलत है, बहुजन समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फिलहाल आप हम अपनी कीमती प्रतिक्रिया जरूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। बहुजन समाज की हर खबर देखते रहिए नैतिक टीवी के साथ। मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।